बाड़मेर की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज्योत्सना श्रीमाली का 2 वर्ष पूर्व कोरोना से निधन हो गया था। श्रीमाली की द्वितीय पुण्यतिथि पर गुरुवार को राजकीय चिकित्सालय के ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्रीमाली के परिवारजनों व साथी रक्तदाता समूह द्वारा आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में ज्योत्सना श्रीमाली के परिवारजनों और अन्य लोगों ने रक्तदान कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। साथी रक्तदाता समूह द्वारा जिले की प्रथम फिजियोथेरेपी डॉक्टर स्वर्गीय ज्योत्सना श्रीमाली की द्वितीय पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का गुरुवार को ब्लड बैंक में आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ जिला औषध भंडार के प्रभारी डॉक्टर जावेद, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर दुर्गा प्रसाद एवं डॉक्टर दिनेश गढ़वीर, डॉक्टर दिव्यश सवदिया, सब रजिस्ट्रार कार्यालय की रेवेन्यू इंस्पेक्टर शांति चौधरी, श्रीमाली समाज के किशोर शर्मा, संजय शर्मा, एडवोकेट मनीष शर्मा, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी सुदीन्द्र कुमार शर्मा व समूह के संयोजक अबरार मोहम्मद द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर जावेद ने ज्योत्सना श्रीमाली के स्मृति दिवस पर रक्तदान शिविर के आयोजन को बेहद अनुकरणीय कार्य बताया। उन्होंने कहा कि रक्त की एक एक बूंद आपातकाल में पीड़ित व्यक्ति के लिए संजीवनी है, जो व्यक्ति को नया जीवन प्रदान कर सकता है। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि प्रत्येक युवा को अपना ब्लड ग्रुप जांच कर रक्तदान के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। रेवेन्यू इंस्पेक्टर शांति चौधरी ने कहा कि रक्तदान पुनित कार्य है। रक्तदान के प्रति पुरुष युवाओं के साथ महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है, जो बाड़मेर जिले के लिए बेहद सुखद है। इस अवसर पर साथी रक्तदाता समूह के संयोजक अबरार मोहम्मद ने बताया कि साथी रक्तदाता समूह पिछले 7 सालों से रक्तदान शिविर आयोजित कर ब्लड बैंक में रक्त की कमी को रक्तदाताओं के माध्यम से दूर करने का सार्थक प्रयास कर रहा है। ब्लड की वजह से किसी की जान जोखिम में न पड़े, इसके लिए समूह समय समय पर आमजन में जागरूकता पैदा कर पुण्यतिथि, जन्म दिवस, शादी की सालगिरह इत्यादि विशेष अवसरों पर शिविर लगाकर मानवता की खिदमत का कार्य कर रहा है। नर्सिंग अधिकारी सुदीन्द्र श्रीमाली ने बताया कि इस अवसर पर श्रीमाली समाज द्वारा रक्तदान शिविर में पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संदेश दिया गया। समाजसेवी किशोर शर्मा व एडवोकेट मनीष शर्मा द्वारा रक्तदाताओं को पौधा वितरण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वही समूह की ओर से रक्तदाता को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया। मेरे बच्चे डॉक्टर ज्योत्सना, जिसका 2 वर्ष पूर्व कोरोना के कारण निधन हो गया था, उसकी स्मृति में मैंने एक रक्तदान का आयोजन किया था। पिछले वर्ष भी मैंने किया था और मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि मैं इस बच्चे की यह स्मृति के अंदर इस तरह का आयोजन करता रहूँ और इसके लिए समाज को एक प्रेरणा, एक संदेश दे, ताकि वो अपने परिजनों की याद में एक रक्तदान जैसा अवसर सबको प्रदान मिले। साथी रक्तदाता समूह के संयोजक अबरार मोहम्मद ने बताया कि स्वर्गीय ज्योत्सना श्रीमाली के स्मृति दिवस पर 33 यूनिट रक्तदान हुआ, जिसमें कुलदीप अवस्थी, अविनाश अवस्थी, प्रशांत शर्मा, किरण खत्री, मयंक दवे, मोहित शर्मा, जसवंत सिंह, कैलाश चंद्र, नरेंद्र कुमार, शिव लाल, शरद सारस्वत, शौकत शेख इत्यादि ने ब्लड डोनेट कर मानवता का संदेश देते हुए स्वर्गीय डॉक्टर ज्योत्सना श्रीमाली को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज्योत्सना श्रीमाली का 2 वर्ष पूर्व कोरोना से निधन हो गया था। उनकी स्मृति में द्वितीय पुण्यतिथि पर गुरुवार को उनके परिवार, श्रीमाली समाज और साथी रक्तदाता समूह द्वारा इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।